हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स आई एम गीता नेगी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना सो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स चैप्टर फोर लॉन्ग एंड शॉर्ट तो लाली है वो अपने फादर की शॉप में बैठी है कुछ सेलिंग करती है ठीक है कुछ थिंग्स को बेचती है तो वहाँ एक फार्मर आता है जो उससे कहता है कि तुम अपनी सेवन आर्म्स मुझे मेजर करके रोप दे सकती हो तो वो कहती है यहाँ देती हूँ वो अपने सेवन आर्क मतलब आपकी जो बाहें बाजू होता है ठीक है तो जब वो न, वो कहता है फार्मर लेता है और रोप देती है उसे तो फार्मर कहता है ये तो सिक्स आर्म ही हैं तो कहती है कि मैंने तो अपनी मेजर करके दिया था आप अपनी उसमें करो तो क्या होता है कि जो फार्मर है वो मेजर करता है ठीक है तो लाली के तो क्या होता है सेवन टाइम्स होता है लेकिन उसकी क्या हो जाती है टाइम हो जाती है क्योंकि क्या होता है लाली छोटी है और फार्मर क्या है बड़ा है इससे उसके आर्म्स भी बड़ी होंगी और उसकी छोटी होंगी मेजर योर आर्म्स आर्म एंड योर मदर्स आर्म व्हाट इज द डिफरेंस तो आप आपको क्या करनी है अपनी मदर से कोई स्टेप मांगेगा ठीक है उससे मेजर करिएगा अपने आर्म्स और मदर की आर्म्स तो देखेंगे आप कि आपकी छोटी और मदर की बड़ी है ठीक है इस तरीके से आप करिएगा हाउ मैनी इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दॉर्जी क्रॉस द रोड दौर कितने स्टेप्स में क्रॉस करेगा रोड को तो ठीक है तो आप क्या करेंगे आपके पास बुक होगी तो आप तो करेंगे तो ठीक है तो आई थिंक वो सिक्स टाइम्स सिक्स स्टेप्स में वो कर लेगा ठीक है जैसे यहाँ पे किया टू तो यही हो गए उसके थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ठीक है आप थोड़ा थोड़ा वो करेंगे तो इस तरीके से सिक्स टू तो ये हो गए तो इस तरीके से वो सिक्स स्टेप्स में उसको कंप्लीट कर लेगा इसी तरीके से हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेसड इन और लाइन ऑन दिस टेबल टेबल में और कितने कप्स रख सकते कितने आ सकते हैं ठीक है तो आप ट्राई करेंगे यहाँ पे रखने की ये बन गया ये बन गया ये एंड ये तो कितने बन रहे हैं टोटल सेवन या एट आपके रख सकते हैं इसमें ठीक है इस तरीके से आप इसको करेंगे आप इसको ड्रॉ करके देखें तो आपको पता चलेगा हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेसड टू रीच द ट्री ब्रांच अब आपको यहाँ पे रखने हैं ब्रांच तक कितनी पॉट्स रख सकते हैं तो ठीक है तो हम टू तो ये है, हैं फोर पॉट्स और रख सकते हैं ठीक है आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने इसमें हाउ मेनी सर्ट्स कैन बी हैंग ऑन दिस वायर वायर पर कितने कर सकते हैं टू कर सकते हैं ठीक है जैसे एक तो हमारी यही हो गई ठीक है दो और कर सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगी एक यहाँ पे आ जाएगी ठीक है इस तरीके से करेंगे आप इसको आप इसको ड्रॉ करके देखिए आप अब आप यहाँ देखेंगे हाउ मच इज अ सेंटीमीटर सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम सी एम भी देते हैं ठीक है हाउ मच कितना आप देखो जो यहाँ पे मैचिस्टिक दिख रही है आपको आपकी स्केल इसी तरीके की होती है ना ये जो ये लगा रखी है स्केल होती है और स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा वन टू थ्री ये क्या है हमारा ये तो हो गया हमारा जीरो तो मैजिस्टिक कितनी है हमारी फाइव यानी कि फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन और तो ये कितने हैं फोर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग है इसी तरीके से आप इनको मेजर करेंगे ठीक है द मैजिस्टिक इज फोर सेंटीमीटर लॉन्ग थी फोर सेंटीमीटर थी ना द डाईज सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड जो डाइस होती, होती, होती है ना हर साइड से तो वो सेंटीमीटर की है और जो अभी हमने किया था तो कितना है वो थर्टीन सेंटीमीटर इसी तरीके से आपको लीव्स को करना है तो वन टू थ्री फोर तो कितने सेंटीमीटर यहाँ तो हमारा जीरो हो गया ना तो कितनी है फोर सेंटीमीटर लॉन्ग है लीव्स ठीक है इस तरीके से आप मेजर करेंगे इसी तरीके से वॉक्स कलर कल इज कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है जब इसको मेजर करेंगे आप तो ये तो हमारा जीरो हो गया वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कितना है सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग है ठीक है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवन सेंटीमीटर जीवमेट्री मेनी सेंटीमीटर जियोमेट्री सेंटीमीटर की होती है तो आप अपनी स्केल को चेक करें फिफ्टीन सेंटीमीटर तो मैं यहाँ पे फिफ्टीन सेंटीमीटर लिखूंगी ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हैं इस तरीके से बनाया है ये यहाँ पे आपको कुछ तिथि गई है उनकी मेजर भी कर रखा है ठीक है तो आप इसको देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं लुक फॉर दैट लुक फॉर थिंग्स दैट आर अबाउट टेन सेंटीमीटर लॉन्ग जो टेन सेंटीमीटर लॉन्ग होती है कौन कौन चीजें क्या क्या, क्या चीज़ें हो सकती हैं जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया कोम्ब हो गया कॉफी मग हो गया तो ये सब चीजें क्या होती हैं टेन सेंटीमीटर के आसपास होती हैं ऐसे ही बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग जो टेन और ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग के बराबर होते हैं जैसे आपका लंच बॉक्स हो गया वाटर बॉटल होगी रूलर हो गया जब आप उनको मेजर करेंगे तब आपको पता चलेगा मेजर भी करना है ठीक है आप लोगों को तभी आपको पता चलेगा लेस देन वन सेंटीमीटर अब वन सेंटीमीटर तो बहुत ही छोटा होता है उससे भी छोटा क्या कैन कैंसी थिंग्स होती हैं वो आपको सोचना है ठीक है जैसे होगी आंट होगी आंट भी छोटी सी होती है ना और ऐसे पीस हो गए ठीक है इस तरीके से ड्रॉ सम ऑफ आपको कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है ठीक है करेंगे जैसे अब यहाँ पे आपकी छोटी सी एक्टिविटी दी गई है ठीक है फाइंड सम थिंग दैट लुक वन मीटर लॉन्ग अब आपको ऐसी थिंग्स फाइंड करनी है जो वन मीटर लॉन्ग होगी जैसे आपके हो गई मैट हो गई कोई टेबल जो बड़े वाले टेबल होते हैं वो भी होते हैं मीटर वन मीटर के पास करीब और इसी तरीके से डोर हो गए विंडो हो गए ठीक है तो ऐसी थिंग्स आपको वो करनी है इसी नेक्स्ट है यूज मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन वन मीटर तो आपको मीटर रोप लेनी है आपकी ठीक है तो उसमें आपको क्या करना है कि मोर और लेस देन वाली मीटर थिंग्स को वो करना है ठीक है तो यहाँ पे आप कुछ थिंग्स दी गई हैं वो आपको करनी है जैसे ये है नेम ऑफ द थिंग मोर देन वन मीटर लेस देन वन मीटर ठीक है आप उसमें टिक टिक करते जाएंगे लेंथ ऑफ टेबल अब आपके घर में जो टेबल है आप उसको देखेंगे कि वो वन मीटर से ज़्यादा है या वन मीटर से कम है अगर कम है तो उसमें करेंगे विथ ऑफ टेबल ठीक है तो वो भी आप करेंगे विथ ऑफ डोर लेंथ ऑफ डोर ठीक है लेंथ और लंबाई चौड़ाई दोनों आपको करनी है इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को करेंगे नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटीमीटर और मीटर्स ठीक है विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर्स अब क्या चीज़ें हम मीटर में और क्या चीज़ें सेंटीमीटर में करते हैं ठीक है कौन सी चीज़ें तो विथ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन को किस चीज़ से करेंगे हम मीटर में सेंटीमीटर किस चीज़ से वो कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं तो सेंटीमीटर तो so, आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे ना लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉन बाय सिख जो सिख लोग पगड़ी वन करते हैं ना सर में पहनते हैं अपने उसको किससे करेंगे हम बहुत लॉन्ग होती है ठीक है तो उसको हम मीटर में करेंगे हाइट ऑफ अ वन ईयर ओल्ड चाइल्ड वन ईयर ओल्ड चाइल्ड की हाइट किससे करेंगे हम मीटर के तो नहीं होगा तो क्या करेंगे सेंटीमीटर से लेंथ ऑफ ऑफ बनाना बनाना भी छोटा सा होता है ठीक है उसको भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट एलिफेंट की कमर तो बहुत बड़ी होती है तो उसको किससे करेंगे हम मीटर में हाइट ऑफ शुगर कैन सुगर कैन देखा है आपने ठीक है तो क्या उस वो भी क्या होगा मीटर में डीप ऑफ अ वेल वेल की डीप किससे करेंगे हम मीटर में इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट है हमारा हाइट ऑफ़ योर मदर योर मदर हाइट किससे करेंगे आप मदर तो बहुत बड़ी होती है ठीक है तो उसको हम मीटर से करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट जो आपका क्लास रूम है और इस्कूल गेट में हम किस से मेजर करेंगे उसको मीटर में सेंटीमीटर तो मैं तो बहुत ही लॉन्ग पड़ जाएगा ठीक है लेंथ ऑफ यूर फादर्स आर्म तो उसको किससे करेंगे आप फादर आर्म मीटर में नहीं आएगी सेंटीमीटर में करेंगे ठीक है इस तरीके से आप इसको करेंगे नेक्स्ट चलते हैं हम ठीक है मैच द करेक्ट लेंथ अब करेक्ट लेंथ आपको मैच करनी है ठीक है ड्रॉ लाइन टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी अब उसके करनी है जैसे लेंथ ऑफ एन अर्थ फॉर्म उसको करेंगे आप तो इसको करेंगे हम अर्थ की होगी हमारी ट सेंटीमीटर ठीक है हाइट ऑफ अ चाइल्ड चाइल्ड की हाइट करनी है तो हम किससे करेंगे वन मीटर के करीब करेंगे विथ ऑफ अ फिंगर नेल तो बहुत छोटे होते हैं तो क्या करेंगे वन सेंटीमीटर की उसमें होगी ठीक है लेंथ ऑफ और साड़ी अब साड़ी आप, आप, आप लोगों की मम्मी साड़ी पहनती है ना तो क्या होती है वो तो बहुत लंबी होती है ना होती है ना होती लंग, लॉन्ग बहुत ही लंबी सी होती है तो उसको क्या करेंगे हम वो कम से कम फाइव मीटर के करीब होगी इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल अब आपका घर और स्कूल में बहुत डिफरेंस होता है ना डिस्टेंस होता है ठीक है तो उसमें क्या कर जाए हमें मीटर भी सेंटीमीटर में नहीं कर सकते मीटर में भी नहीं कर सकते तो इसमें करेंगे हम किलोमीटर में ठीक है टू किलोमीटर ये आपका और आप लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है इस तरीके से आप इसको करेंगे ठीक है एंड आप लोग इसको करिएगा सेंटीमीटर और मीटर घर में भी आप मेजर करिएगा ठीक है छोटी थिंग्स किस में मेजर कर सकते हैं थोड़ी उससे बड़ी थिंग्स और जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको हम में कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप लोग करिएगा मेजर घर में भी अपनी थिंग्स को मेजर करिएगा आपके पास स्केल होती है जो ठीक है थैंक यू